वो बोला जा नहीं देंगे, हम देंगे। हम कहे नहीं देने देंगे। उस पर वो कह दिया ये साला बूढ़ा बहुत बोलता है। हम उसको भी हम गाली दिया, गाली दिया तो बोलता है जो ठोट पकड़ के फेंक देंगे धार में। बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया गांव में हो रही कब्रिस्तान घेराबंदी में जमकर अनियमितता होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक के द्वारा चार दीवारी के पिलर में ईंट के टुकड़े डालकर अनियमितता की जा रही है, जबकि पूरी योजना करीब 30 लाख रुपए की है। ग्रामीणों के आरोपों की हकीकत जानने जब हम मौके पर पहुंचे तो निर्माण स्थल से संवेदक गायब नजर आए। साथ ही योजना स्थल पर निर्माण कार्य से जुड़ा कोई विभागीय बोर्ड भी नहीं लगा था। वहां कब्रिस्तान के दक्षिणी भाग के करीब 5 पिलर निर्माण के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे ईंट का टुकड़ा भरभराकर गिर रहा था। बताया जा रहा है कि निर्माण में व्यापक अनियमितता किए जाने की शिकायत पर जब ग्रामीण स्थल पर पहुंचे तो संवेदक ने ग्रामीणों को धमकाकर भगा दिया। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर विभाग से उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी की जांच कराने की मांग की है। मसला ये है कि हम 11:30 बजे यहाँ आए हुए थे, तो ये 12 एक का मसाला, 12 गिट्टी, 10 बालू और 1 बोरा सीमेंट ये डाल रहा था। तो हम कहे जो इतना जो नहीं दीजिए, 8 दीजिए गिट्टी और 8 बालू और 1 बोरा सीमेंट दीजिए। तो कहा जो नहीं, हम 12 से कम में नहीं ढालेंगे। वो मसला ख़त्म हो गया। हम छोड़ दे जाइए, जो मर्जी है कीजिए, लेकिन इसका कंप्लेन हम करेंगे। उसका बाद जो आ गया ठेकेदार और मुंशी आया तो पिलर ढलाई होने लगा, तो गिट्टी उठा ईटा का टुकड़ा उठा करके देने लगा। तो हम उसको रोके तो हमको बोलता है मुंशी ये टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा। हमको बहुत कुछ होगा, जब RCC क्यों बना, तब तो आर्मी बनाता लोग। तो वो बोला जो नहीं देंगे, हम देंगे। हम कहे नहीं देने देंगे। उस पर वो कह दिया ये साला बूढ़ा बहुत बोलता है। हम उसको भी हम गाली दिया तो बोलता है जो ठोट पकड़ के फेंक देंगे धार में। अच्छा हम कहे उनको जो हमको कहा जो साइड से आप बाहर होइए, आप कौन होते हैं यहाँ जो साइड पर रहने वाले। हम कहे जो कि ग्रामीण हैं हम आपको चार्ज लेंगे, आप गलत कीजिएगा तो हम तलाश करेंगे। कहे नहीं तलाश नहीं देंगे, जो भागे यहाँ से और नहीं तो मार करके रख देंगे। हम कह लीजिए जो गाली मार करके रखने वाले को हम भी देख लेंगे, बुलाएंगे वहाँ को। अच्छा अनियमितता जो है, गड़बड़ी जो कर रहा है कब्रिस्तान की चार दीवारी में, हाँ क्या क्या कर रहा है। फर्स्ट में तो बीम जो ढाला है नीचे, उसमें सब में खड़ा करके ईंटा दे दिया है। बीच में एक बीम चूड़ी है, इस बगल आया वो चूड़ी उस बगल, उसका बीच में रख दिया है जो ईंटा, वो दे दिया। तो उसमें भी मना हम किए तो वो नहीं माना। उसका बाद जो है सो वो बीम ढाल लिया टोटल, तो ईंटा गिराया तो मीठा पाक गिराया पहला मरतबे, तो पूर्व से जुड़ाई हुआ। उसका बाद जो है सो 3 नंबर ईंटा गिरा दिया। 3 नंबर ईंटा गिराया तो हम उसको मना किए तो बोला जी चचा आप नहीं गिराएंगे, तो ये ईंटा को ख़त्म होने दीजिए। तो सब आदमी कहने लगा चलिए 3 गाड़ी है तो लगवा दिए। लगवाने के बाद जो मसाला बनाने लगा, जो 24 टीना जो है सो टोपिया, जो 24 टोपिया जो है सो बालू आ 1 बोरा सीमेंट। तो हमने कहा जो नहीं ऐसा नहीं होगा, जो गांव घर का मिस्त्री हम भी हैं, जो 14 एक में बनता है 14 में 1 बोरा दिया जाता है। जी कटैया गांव के कब्रिस्तान पे हम लोग आए हुए थे, पहले तो हम लोग नहीं आते थे, लेकिन आज किसी के द्वारा मालूम चला है कि यहाँ पे पिलर जो ढलाई हो रहा है उसमें बहुत सारा ईंटा वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग आए तो यहाँ पे देखे कि एक एक पिलर में 5-5 ईंटा 6-6 ईंटा है, और हम लोगों ने तोड़ के देखा तो वाकई में हम लोग ने इस चीज़ को सत्य पाया। और हम लोगों के द्वारा मुंशी से बात करने पर ये हुआ कि आप लोग काम होने दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग पैसा उठा लेंगे और आप लोग ऐसे यानी आपका कब्रिस्तान ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा ये घेराबंदी का काम कब से शुरू हो? सर 1 महीना हो गया, 1 महीने से घेराबंदी है। जब से ठेकेदार को पूरे गांव के आदमी उनको समझा रहा है कि जो भाई आप इसमें पिलर में जो है ईंट नहीं डालिए, वो डालता ही चला गया। अरे एक है दो है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 है 2 है। उसके बाद चारों साइड में जब आज एक हमारे गाँव के जो चाचा होंगे वो आकर के देखा है, नमाज से पहले देखा है कि पूरे में इतने पूरा फुल बीम ईंट डाल रहा है।
उसके बाद जो है उन्होंने उनको ठेकेदार को बोला, वो गाली गलौज कर लिए दोनों, वो चाचा को बोले तुमको गोली से उड़ा देंगे और पूरे पैसे जो है मेरा इसका ना घेराव का जो भी गवर्नमेंट का वो सारा मैं उठा के काम इतना में छोड़ के चला जाऊँगा, तुमको केस करना है, डीएम के पास जाना है, बीडीओ के पास जाना, जिसके पास जाना तुम जाओ, ऐसा बोला ठेकेदार। उसके बाद वो चला गया, वहाँ से फिर आया, फिर जो है उनको बोलने लगे कि मैं नहीं किया हूँ, मिस्त्री किया है, मिस्त्री किया है, मिस्त्री को बोलो। जब हम लोग खुद देखे बीम पूरा ईंटा भरा हुआ है सर उसके अंदर,